कुलवरिया पारा, दोहरे हत्याकांड में जो दंपत्ति की हत्या हुई थी, उस परिवार के एकदम हम परकरीब हैं और वो घर जहां उनका निजी आवास स्थान है वहां पर हम हैं। इस समय यहाँ पर काफी लोग एकत्रित हैं और संवेदना व्यक्त करने भी आए हैं, गांव के लोग हैं और इस पर रूपरेखा लोग दे रहे हैं। अभी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामसूरत जी राजभर भी सांत्वना देने आए हैं। अब इनकी पार्टी की सरकार है और इसमें ये कितनी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं इनको, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, आइए हम बातचीत करते हैं। रामसूरत जी, अगर ये दोहरा हत्याकांड, एक इसको कहेंगे एक बीभत्स हत्याकांड, जिस तरीके से उनकी बॉडी के साथ मूवमेंट हुआ, इस कांड पर चूंकि आपकी सरकार है मौजूदा, क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि अभी ये लोग बार बार शिकायतें कर रहे हैं और तमाम से लोग आ रहे हैं कि इस पर कार्रवाई ठोस नहीं हो पा रही। देखिए, कार्रवाई पूरा बिल्कुल ठोस होगी। इस पर चर्चा भी एक बार मुझसे पहले भी केशवजी माननीय केशवजी मुख्यमंत्री जी से हो चुकी है, आज आपके सामने ही हुई है और एसपी से आपके सामने हुई है। इसमें कोई बचेगा नहीं, दोषी है, जितनी जघन्य अपराध किए उसी तरह उन्हें कठोर सजा मिलेगी। अब ये परिवार कंपनसेशन की बच्चा है और दो छोटी बहनें हैं, तो सर इसके लिए भी जितनी भी सहायता शासन से होगी करा जाएगा और कराएंगे। अगर इस लड़ाई में इनके साथ चलना होगा तो आप चलेंगे? देखिए, बिल्कुल चलूंगा, सरकार हमारे साथ, से हट के चलूंगा जी। हाँ जी, मान लीजिए। देखिए, अभी रामसूरत राजभर जी हमारे साथ थे, इन्होंने सीधा तौर पे कहा है कि इनकी लड़ाई में ये इनके साथ हैं, सरकार से भी हटकर इनके साथ चलेंगे, लेकिन इन्होंने सांत्वना दी। अभी हमारे सामने ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से इन्होंने बात की, एसपी अनुराग आर्या जी से भी बात की, तो इन्होंने वहां से भी इनको सांत्वना मिली है कि पर ठोस कार्रवाई होगी। एसपी ने कहा, एसपी ने कहा है कि जल्दी ही गिरफ्तारियां हो जाएंगी, हो रही हैं, दबिश दी जा रही है और इस पर कार्रवाई ठोस होगी। कब तक ये मामला चलेगा, लेकिन इस पर गंभीरता हमारी बनी रहे। देखते रहिए खेल नीति।